आपके अपने चैनल जोगी सर की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो में 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही आसान है, देखिए क्या कहता है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में हमने शो करना है। प्राइम नंबर्स होते कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन, मतलब विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ, जिसके सिर्फ केवल दो ही फैक्टर्स हों वो हमारे पास क्या होता है? प्राइम नंबर्स होता है। हम इनको प्राइम नंबर्स के ही प्रोडक्ट में करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। 140 हमारा एक इवन नंबर है तो ये किससे डिविजिबल है? 2 से होगा। 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो 70 आ गया। अगेन इट इज इवन नंबर, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब 35 2 से नहीं हो रहा है तो हम किससे चेक करेंगे? 3 से। बट 3 + 5 = 8, 3 के टेबल में नहीं आता तो 3 के बाद हम किस पे जाएंगे? 5 पे। 5 जिसके एंड में 0 और 5 आ जाए वो 5 से डिवाइड होगा, तो 5 × 7 = 35। फिर 7 पे 1। बस इसके बाद 140 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2 × 5 × 7 या फिर 2^2 × 5 × 7। ये हमारा प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में 140 को हमने लिख दिया। इट्स वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 156 क्या ये 2 से डिविजिबल है? यस, इट इज एन इवन नंबर तो 2 से डिवाइड करूंगा मैं, 78 हो गया। अगेन इवन, फिर 2 से 39 हो गया। नाउ इट इज ओड नंबर, नो डिविजिबल बाय 2। फिर हम किससे चेक करेंगे? 3 से चेक करेंगे। 3 से चलेंगे तो भैया 13 पे गया। अब 13 तो ना 2 से तो जब हमने पहले देख ही लिया, इसके बाद दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है। 3 से नहीं जा रहा है ये। फिर उसके बाद 5 पे भी नहीं है, 7 पे भी नहीं है। 13 इटसेल्फ प्राइम नंबर तो 13 पे ही जाएगा। सो 156 कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 3 × 13, मतलब 2^2 × 3 × 13। है ना सिंपल? यस। नेक्स्ट 3825, इट इज एन ओड नंबर तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, फिर मैं किससे चेक करूंगा? 3 से। 3 के लिए इनका सबका सम कर दीजिए, डिजिट सम, 3 × 8 = 11, 13 एंड 5 = 18, 3 × 6 = 18, 3 के टेबल में आता, 3 से होगा। 3 से किया 1, 2, 7, 5, ठीक है। फिर चेक करें 3 से, 1, 2, 3, 7, 10, 5, 15, फिर 3 के टेबल में आ गया तो 3 से काटेंगे 4, 2, 5। अब 4, 2, 6 + 5 = 11, 11 3 के टेबल में नहीं आता तो फिर 5 पे चलेंगे, 5 पे तो होता है ये, 5 × 8 = 40, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। अगेन इट इज डिविजिबल बाय 5, 5 से काटोगे 17 हो गया, 17 इटसेल्फ है प्राइम नंबर, 17 से ही कटेगा। तो 3825 कैन बी रिटन एज 3 × 3 × 5 × 5 × 17 और 3^2 × 5^2 × 17, 3^2 × 5^2 × 17, सो सिंपल। ओके नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, 5005 क्या ये इवन नंबर है? नहीं है तो इट मींस किस पे चेक करेंगे? 3 पे। 5 और 5 = 10 हो गया, 10 भी 3 के टेबल में नहीं आता तो 3 से भी नहीं होगा, किससे जाएगा? 5 से जाएगा, 1001। अब 3 और 5 से नहीं जाएगा तो हम किसे चेक करेंगे फिर? 7 से। 7 पे जाता है ये, 7 × 1 = 3 बच गया 30, 7 × 4 = 2 बच गया, 7 × 3 = 21। फिर क्या होगा? 5, 7 पे नहीं जा रहा, इसके बाद हम किस पे चेक करेंगे? 11 पे। 11 पे जाता है ये, 11, 13 = 143 होते हैं, 13 फिर प्राइम नंबर हो गया, 1 हो गया। तो 5005 कैन बी रिटन एज 5 × 7 × 11 × 13, हो गया, बड़ा सिंपल था। इसके बाद 7429, ठीक है, क्या ये इवन है? नहीं है। 7 और 4 = 11 और 2 = 13 और 9 = 22, ये 3 के टेबल में भी नहीं आता, 5 से भी नहीं होता। आप जैसे चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको 17 पे जाके मिलेगा ये, 17 × 4 = 68, 6 बचेंगे 62, 17 × 3 = 51, 11 बचेंगे 119, 17 × 7 = अब इसके बाद ये 19 पे जाता, 19 × 2 = 38, 5 = 57, अगेन 23 इज़ अ प्राइम नंबर,
सो 7429 इज 17 इंटू 19 इंटू 23। था ना बहुत ही आसान? यस, सब आसान है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन को करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।